अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के सभी 30 रोज़ मुकम्मल करने के बाद आज ईद है और ईद के दिन हम लोग सिवान का जो मेन ईदगाह है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ईदगाह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ईदगाह में लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम सिवान शहर के जितने लोग हैं वो इसी ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए आते हैं और 8 बजे सुबह का समय रखा गया था नमाज का और अभी से लगातार लोग पहुँच रहे हैं और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे 8 बजे तक जब नमाज शुरू हो जाती है तब तक की तस्वीरें न्यूज इंडिया तक देखने के लिए इस वीडियो पर लगातार आप बने रहें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85399 43 151। देखिए, सबसे पहले ईद उल फितर की तमाम अहले वतन को साथ साथ सिवान के सभी लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि ईद की नमाज जो हम तमाम मुसलमान आज अदा कर रहे हैं इसके सदके तुफैल में हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हमारे देश में अमन सुकून रहे और हमारा बिहार और सिवान भी तरक्की करे, यही हम लोग दुआ करते हैं। शहर के लोग इस ईदगाह में नमाज पढ़ने आए, उनसे क्या कहेंगे? मैं उन लोगों से कहूँगा कि हमारा जो सिवान अमन पसंद का सिवान है, आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि हमारा शहर अमन सुकून के साथ तरक्की करे। एक महीना रोजा 300 दिन रोजा रहने के बाद कल चांद हम लोग को देखें और आज ईदगाह में हम लोग ईद उल फितर का नमाज अदा किए, शुक्र अल्लाह ताला के हम लोग नमाज का अदा किए और साथ साथ सिवान जिला वासियों के लिए ईद के शुभकामनाएँ हम देते हैं। इस ईद के अवसर पर मैं सिवान के सभी भाइयों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप ईद में सिवान के लिए दुआ मांगें कि सिवान अमन चल जिस तरह बना हुआ आगे बना रहे। सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे देशवासियों, बिहार वासियों और सिवान वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना और बधाई। ये आपसी भाईचारा का त्यौहार है। 30 दिन कठिन रोजा रहने के बाद ये 30वां दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है और सारे गिले शिकवे भूल के आपसी भाईचारा का त्यौहार हम यही मनाते हैं कि आपसी भाईचारा कायम रहे और ईद का त्यौहार खुशियों से मनाएं और शांति बनाए रखें। हर साल के बाद इस साल भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ हमारे मुसलमान भाइयों के द्वारा ईद का नमाज अदा किया गया। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद सबको देती हूँ और आपसी भाईचारा हम लोग का बना रहे और ईद ही ऐसा त्यौहार है जो आपसी भाईचारा का प्रतीक है। हम एक दूसरे के गले मिलकर खुशी का इजहार करते हैं, इसलिए ईद के शुभ अवसर पर सिवान वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईद के मुबारकबाद मौके पे सभी सिवान वासियों सहित पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। ईद का यह नमाज 30 दिन के उपरांत जो ये नमाज अदा की गई इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी धर्म के लोगों ने भी इस खुशी के पावन मौके पर शरीक हुए हैं। सभी शांति समिति के सदस्य हम सभी के साथ में यहाँ मौजूद रहे। बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार माहौल है आज ईद के दिन का। सभी बहुत ही उत्साह और मोहब्बत के साथ ईद की नमाज 30 रोजे के बाद आए हैं अदा करने और मैं ये गुजारिश करूंगा सभी को नमाज के बाद ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद न्यूज़ इंडिया तक को भी और सभी न्यूज़ चैनल को भी। सभी ईद की नमाज़ पढ़ें और एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत से मिलें और एक दूसरे के बीच जो भी गिले शिकवे हों वो ख़त्म करें। हर साल हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आते हैं और बहुत सालों के बाद ऐसा माहौल बना हुआ है। कोरोना में तो बिल्कुल नहीं था लेकिन उसके बाद हमेशा लोग बहुत ही जोश व खरोश के साथ ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं और ईदगाह का माहौल बहुत ही खूबसूरत है। आज हम लोग सभी शांति समिति के सदस्य ईदगाह में उपलब्ध हैं और सारे हमारे मुस्लिम भाई ईद का नमाज़ अदा किए हैं और एक दूसरे से हम लोग गले मिलकर ईद की शुभकामनाएँ दे रहे हैं।
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त सिवानवासी और देशवासी, देश के तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो पर्व है प्रेम और भाईचारे का पर्व है और 30 दिन की इबादतों के बाद आज ये आया है, दिन आया है, और इसमें ये जो पर्व है ये प्रेम और भाईचारा से मनाया जाए, प्रेम और भाईचारा का प्रतीक है। इसी के लिए हम सभी जितने भी शांति समिति के सदस्य आज यहाँ पे मौजूद है ईदगाह पे। मैं सबसे पहले सिवान की जनता को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज ये खुशी के मौके पर पूरे सिवान के अवाम नास, पूरे मुसलमान एकजुट होकर अमनो चैन के साथ, सलामती के साथ आकर आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह शरीफ में तशरीफ़ लाए, और बहुत इत्मीनान सुकून के साथ लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है, चारों तरफ लोग आए हुए हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तमाम मुसलमान और तमाम हमारे हिंदू सज्जन भी इस ईद के त्यौहार में इतनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं और मोहब्बतों से मनाते हैं। तमाम सिवान की जनता जो है हमारे आपके लिए बहुत खुशी की बात है, और हम आप एक पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह अमन चैन के साथ सिवान की मुसलमानों ने इस पर्व को मनाया है, हमारे हिंदू सज्जन भी इसी तरह अपने अपने पर्व को मनाएं और एक सिवान में भाईचारा, अमन चैन कायम रहे। कहना क्या है, अल्लाह का शुक्र है कि 30 रोजा के बाद हम लोग जो है ईद का जो है ये हम लोग का नमाज पढ़ने का मौका मिला, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है। 30 रोजे के बाद जो है ना ईद की खुशी आती है, यही अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, इसको हम लोग तोहफा समझते हैं, तोहफा ही मानते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ईद में खुशी में यही कहेंगे, सारे लोग खुशी से एक लाख मोहब्बत के साथ लोग मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं। मैं पूरा सीमान बिहार, पूरा हिंदुस्तान से एकता का प्यार मोहब्बत से लोग बनाए, यही मैं कहूँगा। हर साल हम ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ईद की नमाज ईदगाह में ही अच्छा लगता है। मस्जिद में तो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। नमाज पढ़ने आए थे और हमारे तरफ से सारे देशवासियों को ईद की बहुत सारी खुशियाँ और शुभकामनाएं। सबसे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि हमारे देश में सारे लोग अच्छे से रहें, सुख चैन से रहें और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे, यही कहा कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।